358 उसके पास उताव ले गई जभी वे वीर लतपत लहू लुहान सब उसका देख शरीर ठीक उसे पहचान गए जान पिता का मीत संगी अपना समझ गए बन कर बहुत मीत पूछा उसे बहुत दया के साथ वह बोला रघुनाथ जीवन जड़ी ज्योति परम आप रहे जो रावण ने है वह हरि होकर मद में मूल उसने भी मेरे हरे समर बीच ये प्राण जब था लड़ता समय करता सीता प्राण जब रावण था जा रहा रथ में सीता डाल देख लिया मैंने तभी उसको तो तत्काल सीता के पहचान में किए असुर परवार मैंने रथ को राग बच दिया सारथी मार निज सारथी हत दिख कर त्योड़ी डाल ललाट खड़ग से रावण ने तब अंग दिए मम काट लंबा सांस निकाल तब कर ढीले तब अंग गया जटायु स्वर्ग को जड़ आकाश तरंग दीन दशा दस देख कर रघुबर दीन दयाल गले लगा उसको मिले सके न दिल संभाल मूर्छा खा कर गिर गए चेतिक बारे कोस चेत रोने लगे बांधे अश्रु का धारे बोले लक्ष्मण जानिए मेरा कर्ण दुर्भोग पद भ्रष्ट मैं बन बसा इस पर पत्नी वियोग मेरे कारण यह मरा सका समर में पीड़ित प्राणों सह करे तेरे राम तेरे राम 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 तेरे राम मेरे राम 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 सब जग फिर कर देखो जो ही मुझसा भागी जन ना होई मेरे की कटो कहानी अन्य किसी में गई ना जानी कर्म पुण्य लेने पलटा
महाबली पर पक्ष प्रमाण
धारा रघुपति का शुभ लिए सहारा जीवन दहन कर मुझकी स्वामी रामचंद्र जगत में नामी तुम पावन को चले पियो आशावादी तू करमी वन उपवन सब देखते नद नाले सर झील मिलते मुनि जन को तथा देखते सुवन नील चलते क्रम से रघुपति पंपा पश्चिम तीर पहुँचे बंधु सहित वे जहाँ विमल था नीर आश्रम शबरी का शुचि रम्य मनोहर स्थान देखा राघव ने वहाँ सुंदर शोभावान तरुमाला से सज रहा लता पुष्प का पुंज था वहाँ अति सुहावना सुंदर कदली कुंज भील वंश की भामिनी भक्ति भाव में लीन सुशिष्या ऋषि उत्मतंग की साधन में प्रवीण थी सिद्धा शबरी नामनी वनिजन में विख्यात जप तप में रत तापसी रखती भाव उद्यात आदर से वे तो गए दोनों शबरी पास ज्ञान ध्यान में जोरता करती वहां निवास उसने आते देव दो देखे जिस ही काल आदर सहित उत्थान दे हो गई वह निहाल आज मनी है पात्य दे कर आतिथ्य सत्कार शबरी ने पाया तभी हर्षित कर्ष पार पूछा रघुपति ने उसे श्री सिद्धे कहो योग क्षेम सुख शांति से करती हो तप जाप विघ्न रहित है चल रहे क्या साधन के काम वृद्धि तप में हो रही बाधा रहित विराम संयम में वृत्ति सभी रहती है क्या ठीक नियम सिद्ध क्या हो कर यहाँ निर्भीक खान पान तो युक्त है नियमित कर्म कलाप गुरु पूजन क्या सफल है जय कर तीनों ताप बोली वह कर जोड़ कर विनय भाव के साथ वे मनो सिद्ध सब तुझे देख रघुनाथ तप जप शम दम सर्व ही सिद्ध हुए हैं आज तब दर्शन से हे प्रभु सुधर गए सब काज श्री अमृत पान से चढ़ी चांदनी दूज मैं शिष्या हूँ मतंग की ऋषि वचनानुसार भव सागर से हो गया मेरा आज उद्धार जाऊंगी शुभ लोक को मैं तो अब बिन रोक पाप ताप परिहरण कर दूर दुख कर शोक श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री
मुझे मूल न भाता राग रंग रस
सीता से चले आगे लक्ष्मण साथ। शोकित व्याकुल बंधु को बुद्धि युक्ति बल संग, शांत करता था अनुज भरकर भाव तरंग। सावधान होकर सजग रहता सब दिन रात, बड़े बंधु की वेदना हरता कर शुभ बात। मत फिरे गजराज ज्यों केसरे अति निर्भीक, ऐसे भाई साथ में है फिरता मन रख ठीक। पर्वत ऋषि मूक की गए तलेटी पास, उस गिरी पर सुग्रीव का था हो रहा निवास। शस्त्र अस्त्र धारण किए देखे उसने वीर, अतिशंकित उद्वेग्न हो बन में बहुत अधीर। बोला संगी सुजन को देखो दो बलवान, भेजे बाली ने यहाँ लेने को मम प्राण। नहीं हमारे वंश के नहीं असुर आकार, वेश बदल कर फिर रहे करने को संहार। देव तुल्य है दीपते दोनों दीप्तिमान, दिव्य देह दैवी ज्योति रखते पुरुष महान। बाली के ये मित्र हैं हमें देने विश्वास, आते हैं मुनि वेश में चले हमारे पास। ऐ परिचित जन को न कभी निकट दीजिए वास, विश्वास भरोसा ना कभी उस पर करे नास। कपट वेश विश्वास दे देश काल को देख, विषम बार प्रहार में करता मीनन मेक। बाली ऐसे काम में सिद्ध हस्त है भूप, उसने अपने दूत दो भेजे है मुनि रूप। चर्क चक्षु से चतुर जन चले चातुरी चाल, पर चर के मन चित्त का देवे भेद निकाल। जाओ तुम हनुमान अब बदल रूप निज वेश, बुद्धि नीति बहु ढंग से जानो उन्हें विशेष। बातचीत आकार से चेष्टा ना ना जान, भाव भंगी मुख चक्षु से करना सब अनुमान। मुकर मेरी और तुम सहित सैन संकेत, मुझे बताना भेद सब यथा तथ्य विपरीत। यह पाकर आदेश चला नरवर गुणधारी, अति विद्वान हनुमान निपुण नीति में भारी। भिक्ष रूप को धार की आकृति न्यारी, राम अनुज के पास आया वे मनोहारी। सहित नम्र प्रणाम लगा प्रशंसा करने, मृदु मधुर कह वचन लगा उनका मन हरने। सरस सार से स्वाद शब्द सुख उनमें भरने, शब्द शक्ति के साथ मोहे वे बंधु नरने। बोला यूं हनुमान विनय सहित कर श्रुषा, पंपावन के बीच शोभते हो बन पूषा। कांति तेज प्रताप आपकी सजती भूषा, उस पर बल कल चीर निराली वेश विभूषा। महाबली वीर सिंह समरक कर दृष्टि, वन जन में बहु विचर करते हो सुबल वृष्टि। पुरुष सार हो सुजन सर्व श्रेष्ठ हो सृष्टि, धर्म तृति को धार तुम्हें पुण्य रूपा इष्टि। चारों चिन्ह शुचि चरण चमको चंद्र बदन से, कोयल के कंठ कोमल वाक्य नदन से। मोहक मोहन महा मधुरतम रूप मदन से, निसरो नवरस सार सुरीले स्वर सदन से। अमल कमल समनयन भुजा तब हाथी करसी, दैवी दीप्ति लिए देह है सुंदरता से। मानव तन में सजे अतिशय शोभा अमरसी, बने हो ज्योतिर्धाम शक्ति अति धार समरसी। रूप राशि के पुंज आप अवतरण हुए हो, पराक्रम के रूप यहाँ अनुसरण हुए हो। जटाजूट मुनि रूप कथम मन हरण हुए हो, किस कारण के आप वेश भर करण हुए हो। नहीं जड़ित है मुकुट शीश पर शोभा पाता, उचित राजसी वेश देह पर नहीं दिखाता। भूषण भूषित भुजा नहीं क्यों मन में आता, हो राजपद योग्य चित्त में यही समाता। मुझे रहा है दीख आप है सज्जन नागर, शूर वीर नर धीर विद्या गुण गण के आगर। हो समर्थ नरसिंह शासन में भूस सागर, कारण वश दरवेश फिरते हो अति उजागर। तुम दोनों के धनुष सुवर्ण सुरंग मढ़े हैं, सभी कोश के बाण नुक
सदा सुरक्षण पक्षिण पक्ष में है दक्ष दक्षिण में विलक्षण विचक्षण और तेज युतवाक् शुची है इसकी रसीली शुद्ध सार से सरस बोलता यह रंगीली सरल साधु से स्वाद भूषित भाषा सजीली सज्जन नवरस रसिक साहित्य अनुशीली ऋग यजु और साम सीखे इसमें वेद है व्याकरण श्रुति छंद जाने भाष्य भेद है सभी विद्याएं जान बीते इसके खेद है निश्चय से है हुए इसके संशय छेद है कहता दोष विहीन वाणी मन को हारणी महामधुर अति सरल शब्द ज्ञान अनुसारणी सहित हर्ष सुख मोद सार्थ कल्याण कारणी ब्रह्म भूल से रहित संशय सर्व निवारणी जन्मन ले यह मोह कोमल कविता कला से करे शत्रु को मित्र शुभा शैली अमला से सने सनी शुचि सुधा झरे वाणी विमला से यह है अति धनवान कला कथनी कमला से कौन पुरुष है चतुर्ज से यह तुरंत नमोहि विकसित वचन विलास इसका बहुत ही सोहे वचन विद्युत से यह दुष्ट का दिल भी दोहे इसको सुनकर कथन तजे हरिजन भी लोहे बोले यह सुन अनुज अहो नर अतिशय बलधर अतिशय सुंदर रूप रसिक शुभ वक्ता मधुर तर सुग्रीव ही की खोज है कर रहे हम फिर कर होगा मेल मिलाप देख मिलजुल कर वर नर मान मनोरथ सिद्ध पुनः वह बोला उनसे मुनि वेश मृग चरम लिया तुमने किस धुन से आपका सुंदर तन धुना जाता किस गुण से गिरी घटा घन घोर घटे क्यों इस घट तन से लक्ष्मण ने तब उसे कही वनवास कहानी वर्णन हरिण सुवर्ण हरि गई सिया रानी विरह वेदना विषम भोग ते राघव ज्ञानी कहाँ सुग्रीव कहाँ समीप सुग्रीव रहे हैं जावर दानी कष्ट कथा कटु कर्ण कहते अति कुमलाए शोक अश्रु के तार लखन ने बहु बरसाए दीन दशा वह देख सचिव भर भी पिघलाए दिल द्रवित को थाम बोले फिर समय पाए सुलक्षण लक्ष्मण दक्ष लक्ष पक्ष एक बनाइए सने संधि संबंध साथ सुग्रीव बढ़ाइए परस्पर सहित सहाय सफल सिद्धि मिल पाइए मिले उसे जल अभी मम सहचर हो जाइए साथ सैन संकेत सचिव ने भूप चिताया संकट संकुल समझ उसे यह भेद बताया आते हैं तब पास लेकर साहस आया सखा सुहृद इन जान नहीं है इनमें माया होता नहीं मिला मिले जब जन सम सुखिया चलते मिलकर संग हो जब जन इक रुखिया मिलते लाखों लोग बने जब वे सम दुखिया भेदभाव को त्याग विपत में मिलते मुखिया उत्तम पुरुष विशेष राघव वीर महान है योद्धा शूर सुधीर सुग्रीव सुजन सुजान है विपदा विरह वियोग अहनिश इन्हें समान है इनमें संधि मिलाप सुगम है विधि विधान है बोला लक्ष्मण वीर उसके सुगुण बखान कर पवन पुत्र ये भ्रात कह रहा सत्य ध्यान कर है ही अर्थ सुग्रीव समझिए सत्य जान कर संधि मेल उस संग करिए सुहृद मान कर तब चल तीनों साथ आए उस गिरिवर पर जहाँ रहता सुग्रीव विषम विपदा में घर कर परिचित किए उससे वे हनुमान ने नरवर उनके कह गुण ग्राम चारु चरित चित हर कहकर कथा कलाप राघव के वनवास का विपदा विरह विलाप वन में वनिता हरण का परिचय कराया सब उसने वानर राज से गुण वर्णन संग तब उनका करके चातुरी होकर अति प्रसन्न बोला वानर राज तब जाकर अति आसन्न शुभ स्वागत हो आपका रामचंद्र सुधीर दया धर्म धर आप हैं धृति तेज युत वीर पराक्रम अवतार हो है सर्व सौभाग्य मेरा मैं हूँ मानता जो आप महाभाग सच्चे सखा मेरे बनो चाहो यदि तुम देव मैत्री करना साथ मम चित से तो सत्यमेव मैंने पसारा है कर मेरा पकड़ो हाथ राघव अपने हाथ से बनो सदा का साथ निश्चल बंधन बांध कर
पुष्प से आग स्थापी उसने मध्य में वे करके अनुराग परिक्रमा करने लगे दोनों मित्र नवीन कर पर दक्षिणाग की स्नेह सबल में लीन हर्षित विकसित नयन थे प्रण प्रतिज्ञा नेम करके सुहृद वे बने बंधु भाव सह प्रेम उनमें तब स्थापित हुआ मीठे वचन उच्चार राघव सृष्टि सार प्रिय सखा मम्मी तो हो सुख दुख अब से एक मेरे तेरे हो गए यही मेल की टेक हमने पकड़े चित्त से बोले रघुपति आप सुखा सुख शत्रु मित्र सब समझो एक पाप तेरे मेरे हैं बने हैं हम भाई चार तुझे मिला अब पांच है परस्पर के है प्यार मेरी लाज कष्ट निवारण कर सभी सब में संकट टार निर्भय करिए अब मुझे विपदा से हो पार सच्चा सहायक मैं बनूं किंचित हंसी साथ राघव बोले तब उसे औ दक्षिण जननाथ मैं हूँ संगी आपका पत्नी हरण का दाहा मैं कर दूंगा शांत तब बंधु वैर दुर्दाहा शान शान शुमान शत्रु शोणित प्राण हरण देंगे वे प्रमाण पूरण प्रण प्रणय का बहुत बुरी जो बाण बाली में बल चल बनी बाहुबल से हान उसकी करूंगा मैं अब हो उत्साहित भूप मन में साहस हर्षिला सुग्रीव सुंदर रूप बोला श्री रघुराज को ऐसा करो उपाय पाऊं पत्नी राज में बल मिट जाए मेरा पद मुझको मिले अपनी पत्नी अपहरण की नाथ चिंता कीजिए मेरा कहना है यह अब ध्यान बल कर दीजिए अत्याचारी हनन होगा सिया पीछे आएगी दस्यु दुष्ट को दल दलित हो विजय शोभा लाएगी सही तविश तो अन्न जैसे ना कभी किसे बच सके सीता का अपहरण करता मुझसे क्यों ना बच सके ढूंढ को जलाऊंगा मैं उसे न पाताल से निकाल काल की गाल से जटिल जाल कुचाल से कौन थी नहीं कह सकता पर एक थी जा रही नब पद से रोती नारी बहुत पीड़ा पा रही अति भयकर असुर के संग जाती थी चिल्ला रही परिताप अनुताप के वश थी भूषण गिरा रही रोती थी हाँ हाँ करती बहुत चीखे मारती बड़े सुर से राम लक्ष्मण बार बार पुकारती भुज बंधन में बंदी वह विभीषण तो अपारती तड़पती भूमि न बत्ती सके न पा निस्तारती देख कर हमें जो भूषण थे उसने गिरा दिए उठा कर उस काल वे तो सर्व हमने रख लिए मैं ले आता हूँ उनको आप ही पहचानिए क्या सीता के हैं भूषण ध्यान धर कर जानिए कहाँ राघव ने सके अब दौड़ शीघ्र जाइए पास मेरे वे सभी तो अभी ही ले आइए वे लाकर सुग्रीव बोला ध्यान आप टिकाइए जानिए है सभी किसके हमें भी बताइए देख वस्त्राभरण में सभी हाथ में लेकर तभी नयन वारे अविरल वर्षा बने व्याकुल वे जभी शशि मुख पर चिंता बादल छा गए गहरे सभी रामचंद्र स्मरण शक्ति अधिकतर उससे दबी बोले वे विलाप करते लखन देखो तो सही क्या भाभी तेरी के कहोगे
मिट्टी यहाँ से सर्वथा किया द्वार मुख बंद मैंने
महिला विशेष से मरे यथा मति मंद असुर हत्यारा बीच ही कर सब उत्तर काम उसके मैं शोकित हुआ मिल सम्मति कर साम मंत्री मंडल ने तभी मुझे बनाया भूप विधि से शुभ अभिषेक कर समझ बहुत अनुरूप शासन कार्य के मुझे शुद्ध नीति कर न्याय शासन में करने लगा सुरक्षित कर जन आए हर्षित जन मैंने किए कालांतर के बीच असुर मार बाली फिरा मार लात पग खींच उसने खोल लिया मुख सचिव बांध कर ताड़ वैरी बन मेरा बहुत देकर मुझको झाड़ कोपा कुल वह तो बना बनकर बहुत विनीत सिर धर उसके चरण पर मैं बोला कर प्रीत क्षमा करो अपराध सब कुशल सहित हैं आप इससे मुझको हर्ष है मुझे है पश्चाताप भ्रांति भूल मुझसे हुई कर राज्य भोपाल मैं हूँ सेवक आपका सब कुछ लो संभाल अनुचर मुझको जाने धरोहर सम नरेश जो का त्यों है सर्व कुछ बुझे रहित कलेश कृपा मुझ पर तो करो विनय अनुनय सर्व सुन भी वह नहीं कुछ भी हिला कट कटा कर दांत अति तब वेग से मुझ पर ठिला मुझे उसने कहा फिर यह धर तूने वहां शिला रोका बिल मुख को जिससे मार्ग मुझको ना मिला वध करना चाहा तूने मेरा मिथ्या काम से मुझे झूठे बंधु अब तो डर लगे तब नाम से एक वस्त्र मात्र लेकर निकल जा घर गाम से हो गया तू रहित अपने देश धंजन धाम से उसने मेरा सहित पत्नी धन हरा आवेश में फिरा भटका बहिष्कृत मैं इधर उधर विदेश में काल काटा अधिक मैंने कष्ट कड़वे क्लेश में बहना आता इस गिरी पर निरक्षित प्रदेश में सके सहोदर वह बाली वीर है माना हुआ उसका पराक्रम सबने बहुत है जाना हुआ इसी से मम संगियों ने अधिक भय खाना हुआ तुच्छ है वह आप आगे यही बतलाना हुआ शक्ति का प्रमाण देकर निश्चय ने कराइए उत्साह और न है कोई यही बात मिटाइए यह सुनकर बोले राघव देखिए अब आइए परिचय शक्ति तेज बल का नयन निरखा पाइए साखु वृक्षों की माला जो खड़ी थी सामने धनुष तानुष और बाण तुरंत छोड़ा राम ने बीद साखु वृक्ष सा जावे भूमि में धसा ऊर्ध्वमुख निकल वहां से कोश में फिर आ बसा वाह वाह के उठे वहां देखते थे जो जभी कुशल पूर्ण पुरुष है ये कह रहे थे वे सभी अन्य ऐसा लक्ष्य बेधक नहीं देखा जन कभी निज बल से बाली को तो जीत सकता है अभी सिक्का रघुपति शक्ति बल का वानरों में जम गया रामचंद्र नाम उनके विमल मन में रम गया निकल बाली शक्ति का सब भय भारी भ्रम गया कांपता दिल दहलता सबल बनकर थम गया सुग्रीव बोला हे राघव साथ मेरा दीजिए आप बाली दमन में अब सब सहायता कीजिए बहुत अच्छा कह के राघव उसे बोले रीझिए सब तुम सहायता मुझसे चित्त चाहे लीजिए किष्किंधा में वे पहुंचे चलते अति उतावले तरु पीछे ठहरे राघव ओट का ही भावले गर्जता सुग्रीव बढ़ाती निज विजय का दावले गर्जा बाली नाद वे सुन बंधु वध का चावले दौड़ा बंधु पर यथा वे अस्ताचल से रवि फिरे गिरा वे सुग्रीव पर यथा वज्र पर्वत पर गिरे परस पर वे लगे लड़ने कोप में बनकर निरे कर मार पिट लात मुख्य शत्रुता में थे गिरे समरूप दोनों थे बंधु बे समझ ना आ सके इसी भ्रम में श्री राघव नहीं बाण चला सके बाली ने सुग्रीव पीटा जीता जो ना जा सके भाग कर वे जा पहुंचा जहां हरि न समा सके शाप भय से वहां बाली गया पर्वत पर नहीं लहू लुहान सुग्रीव था अति शांत कुछ भी नर नहीं बोला रघुपति को दुखिया क्यों चलाया सर नहीं क्या मेरे मरने का तो था आपको डर नहीं यदि सहायक नहीं होना था वहां पर आपने तो तपाया क्यों मुझे और घोर तरिस ताप ने आप पर पूरा
सरल
लक्ष्मण को ले साथ। मृदुल दिल सदै हृदय दो देव दयावान, दीन दुखी के दुख हरण गुणी सज्जन विद्वान। संवेदना प्रकट कर खड़े हुए जब पास, सहित दया नय न्याय के राघव धर्म निवास। बाली बोला व्यंग से उनको वचन विशेष, कोप में उपालंब से पाता व्यथा कलेश। रामचंद्र तुम हो अति ज्ञानी गुणी कुलीन, तुमने ऐसा क्यों किया कर्म न्याय से हीन। रहित पाप अपराध के जन की करके घात, तूने तज कर न्याय को किया घोर उत्पात। साम दाम धैर्य क्षमा सत्य धर्म ये जान, पराक्रम जन दुष्ट को करना दंड विधान। ये सब गुण है भूप के इन सब को ही छोड़, तुमने मेरा हनन कर धरी धर्म धुर तोड़। भूमि सोना द्रव्य वश हरते जन पर प्राण, तूने मेरा वध किया क्यों तज धर्म पुराण। नीति सुनम्रता निग्रह अनुग्रह यही चार, पाले राजा धर्म वर उचितानुचित विचार। स्वेच्छाचारी भूप तो होवे कहे न वेद, मेरा स्वेच्छा से किया तूने प्राण विच्छेद। हो दृंडा के कूप सम करके द्रोह अनेक, तुम तो सज्जन वेश में हो धर्म ध्वज एक। धर्म धारी धरणी पर बन फिरते हो आप, छद्म रूप छल कपट कर करते हो अति पाप। वैर विरोध बिना बलि वीर न मारे बाण, बहुत बुरा यह कर्म यह छुप कर करना हान। चरित रज्जु को तोड़ कर बिना वैर करवार, राघव हाथी ने मुझे दिया आज है मार। तटस्थ जन पर ज्यों किया तूने बल उपभोग, दोषी पर करते तथा तो यश देते लोग। बाली ने जो वचन उचारे, राघव ने वे सर्व विचारे। बोले रघुपति सुनिए बाली, सत्य वार्ता जो न्याय वाली। बाली ने जो वचन उचारे, राघव ने वे सर्व विचारे। बोले रघुपति सुनिए बाली, सत्य वार्ता जो न्याय वाली। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामायण नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामायण नमः। सर्व शक्ति Thank you.